एक सीजन में बहुत लाइमलाइट यू नो क्रिएट हुई थी उस टाइम पे कि अरमान और उनकी दो वाइफ्स को लेके। आपका तो पंगा भी बड़ा था उससे शायद। मेरा तो मेजरली उन्हीं के साथ था। ऑफ कोर्स जाने के टाइम पे मेरी अरमान के साथ नहीं बनी, अरमान जी के साथ, बट हैविंग सेड दैट इट्स ओके, कभी-कभी आपकी वाइफ मैच नहीं करती एंड आई एम प्रीटी ओके विद दैट। मुझे भी मेरा पहला गाना मिला शहरी मान सा के साथ, मेरा डेब्यू सॉन्ग था। आई थिंक वो एक महीने से फाइंड आउट कर रहे थे कि किसको ले उनको प्रॉपर एक वो नज़ाकत वाली लड़की चाहिए थी। जब मेरा प्रोफाइल आया वो मुकद्दर में था मेरे गाना। सोशल मीडिया ने लोग ना गाला बहुत कर देने की सोशल मीडिया माड़ा है ये वो भाई ये गड़ा उन्होंने पास पैंदी में ਜਿਹੜੇ सोशल मीडिया ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਫੀਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕਿੰਗ ਵੀਰੇ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਆਕੜ ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी, मैं साहिल, तुसी देख रहे हो जी न्यूज़18 पंजाब। वैल मुंडे का नाम किंग है तो कुड़ी गाना लेके आई है, दोनों इकट्ठे गाना लेके आए हैं तो आप कुड़ी तो क्वीन कह सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम किंग एंड सना। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई, थैंक यू फॉर द बहुत अच्छे इतने अच्छे तारुफ के लिए शुक्रिया। सो स्वीट। मेरे को ऐसा लगता है कि यार साथ में किंग बैठा हो तो यार उसके साथ तो हमेशा क्वीन ही बैठेगी। सो स्वीट। यस बट कास्टिंग भी ताही की थी क्योंकि असी लभ रहे सी कोई क्वीन टाइप पूरे इंडिया च लभ जे सानू इन्हां दे उत्ते कोई नज़र ही नहीं आया। चलो बट किंग वीरे अपडेटेड बालमा यार एक तो मैंने एक कॉन्सैप्ट सुनाओ कि बालमा गाने तो आप बड़े सुने बालमा है ना क्योंकि अक्सर बॉलीवुड हिंदी वर्जन से गाने काफ़ी ज्यादा आते हैं ना भी बालमा आ गया। यह अपडेटेड की है कि हम गाने बालमा का सैकेंड वर्जन है जो तो एक सुनने बड़ा कमाल लगता है कि अपडेट हो गया यार बालमा। अपडेटेड वर्ड से ना एक क्यूरियोसिटी है मैंने तो लगता कि हर बंदे को लाइफ से ना अप टू डेट रहना चाहिए जमाने ना अपडेट होना चाहिए। पहले ऑरकुट सी फिर फेसबुक आया इंस्टा आ गया अजकल रील्स चल पी वीडियोज़ तो अपडेट करते रहो अपने आप को। तो उदा ही सेम विद म्यूजिक है सानू लगा कि यार बलमा नाम के गाने कई आए हैं हुण अपडेटेड बलमा करिए तो असी भी सारे अपडेट होके आए हैं तुहाडे लई बड़ा प्यारा म्यूजिक ते गाना लैके आए हैं। नहीं भाई सानू वधिया लगे। एंड सना यू नो जब इंसान की जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है ना तब ना हर पल ना सिर्फ इंसान को यही फील होता है कि यार एटलीस्ट हमारे पास कोई स्पेशली जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं फील्ड में है ना उनको यही फील होता है कि यार हमारे पास कोई अच्छा काम आए हम कोई अच्छा काम कर पाएँ रादर देन वो म्यूज़िक वीडियो हो फिल्म हो वेब सीरीज़ हो या कोई भी यू नो चाहे ऐड हो। एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज उसके बाद यही करने को होता है और कुछ होता नहीं है। तो ये गाना और आपकी जर्नी जितनी भी रही है आर्टिस्टिक वाली जर्नी ये कितनी टफ रही सना के लिए? हाँ डेफिनेटली ज़्यादा टफ रही है बट आई थिंक व्हेन यू आर गॉड्स फेवरेट किड और अगर आपकी नीयत साफ़ होती है आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते कामयाबी आपको मिलेगी। सब्र करना पड़ेगा, दैट इज़ द की। जब कुछ नहीं मिल रहा है तब सब्र करो, जब मिल रहा है तो शुक्र करो, ये मेरा मानना है लाइफ में और ये मेरा तकिया कलाम हमेशा से रहा है। एंड एज आई सेड कि मैं कोई फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करती, हम में से कोई नहीं करता। जो भी हमने रास्ता जो पाथ पेव किया है वो खुद की मेहनत से किया है बिना कोई यू नो फालतू काम किए। तो यहाँ तक आई उस चीज़ की बहुत खुशी है। ऑफ कोर्स मेहनत लगी, वक्त लगा, काफ़ी सब्र। आई हैड नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स कि ओ गॉड क्या मैं सही जगह पर हूँ। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट भी किया था मैंने सोशल मीडिया पे किया था तो लोगों को डाउट था कि आप प्रॉपर जॉब क्यों नहीं कर रहे, सोशल मीडिया से क्या ही हो जाएगा, यहाँ से तो कमाई नहीं होती। बट आई थिंक मेरा विजन हमेशा से बहुत शार्प रहा है। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप ये है, मुझे पता है सोशल मीडिया बूम होगा तो सही वक्त, आई थिंक सही वक्त पे सही चीज़ करो तो मेजर की ये है सक्सेस की। एंड जैसे कि इनका वर्ड है अपडेटेड, मुझे लगता है अगर आप अपग्रेड और अपडेटेड रहोगे ना तो आप ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं आओगे। क्योंकि पहले मैं इवेंट्स करती थी, फिर मैंने पेजेंट जीता, फिर उसके बाद में मैं मॉडल बनी, फिर मैं एक्टर बनी, अब मैं सिंगर में हूँ। उसके बाद भी मुझे श्योर है कि मैं उसके आगे भी और कुछ करना चाहूँगी। अपग्रेड करना ज़रूरी है, दैट इज़ व्हेन सक्सेस हैपेंस। डू यू फील यार कि सोशल मीडिया जो भी यूज़ करता है यू नो जिसके भी केज में फॉलोअर्स हैं यू नो 600K 6 लाख है ना समथिंग कुछ जितने भी इतने फॉलोअर्स हैं और वो अगर एक्टर बनना चाहते हैं बट वो रील्स पे अपना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो डिड यू थिंक यार अगर वो एक्टर नहीं बने तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट इतने हो गए हैं कि सोशल मीडिया से उनकी यू नो जो पर मंथ की ग्रोथ है इनकम वाइज वो बहुत अच्छी बन गई जिससे उनको यार सेटिस्फेक्शन है कि यार आज ही तो कल बन जाएंगे एटलीस्ट पैसा हमें यहाँ से आ रहा है। Yes, absolutely, because see, as I said कि जो फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करते उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सोशल मीडिया ही महज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप फ्री में अपने टैलेंट को पोर्ट्रे कर सकते हो, आपको एक विजिबिलिटी मिलती है ऑनलाइन। एंड अगर आप में टैलेंट है तो आज ही तो कल आप लोगों की तवज्जो में आओगे। मुझे भी मेरा पहला गाना मिला शहरी मान सा के साथ, मेरा डेब्यू सॉन्ग था। उनको एक मुस्लिम लड़की चाहिए थी। आई थिंक वो एक महीने से फाइंड आउट कर रहे थे कि किसको ले उनको प्रॉपर एक नज़ाकत वाली लड़की चाहिए थी। जब मेरा प्रोफाइल आया वो मुकद्दर में था मेरे गाना, और वो टाइम पे मैं थोड़ा सा हिजाब लुक, रमज़ान का टाइम चल रहा था, मैं अलग अलग लुक्स में पिक्चर्स डालती थी, तो फिर मुझे मिल गया वो। अगर मैं सोशल मीडिया पे वो अपना अवतार नहीं डालती तो मुझे लाजमी वो सॉन्ग नहीं मिलता। सो सोशल मीडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग मी माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन एक्टर एज वेल। एंड ऑल्सो नाले सोशल मीडिया नो लोकी ना गाला बहुत करते हैं कि सोशल मीडिया माड़ा है ये वो। भाई ये गाला उन्होंने पास पैंदी में जेडे सोशल मीडिया ते कुछ भी गंद वगैरह उन्होंने तो पैने भी चाहिए हैं, उन्होंने तो गल नहीं कर रहा मैं, उन्होंने तो मैं कंसीडर नहीं करता जेडे वल्गैरिटी या गाला, उन्होंने प्रमोट ना मैं करता ना मैं जिक्र करता। पर सोशल मीडिया के फायदे की ने रोज़गार बहुत जनरेट किया। हुण किन्ने इदां दे लोकी ने जिन्हां कोई रोज़गार नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन चा के मैं सच्ची गल कर रहा तुहानूं, इंजीनियर लोग पता ना मैनूं कोई चैन ला रहा है, कोई छोटे वो कर रहा, समझ रहे हो। आजकल सोशल मीडिया ने इन्ना पावर करता है, हर बंदा अपना एक जिन्नी जरूरत का होंदा 20-25 हज़ार महीना जो भी मैनूं नहीं पता कि एक इन्ना कमा लैंदा, उहदे घर दे किन्ने खुश ने। मैं एक बंदे नूं जानना जिहदी स्टोरी मैं रीसेंटली सुनी है, वो बंदे दा कहंदा भाजी कच्ची छत सी साडी, सोशल मीडिया से वीडियोज़ पा के उन्हें जो पैसे, अच्छा कंटेंट माड़ा नहीं, अच्छा कंटेंट पा के अज वधिया घर बार सैट कर लिया अपना। क्यों? सोशल मीडिया दे, सोशल मीडिया तुहानूं यूज़ करना चाहिए। जो तुसीं अच्छा यूज़ करोगे तो परमात्मा भाग लाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो एवें हिंदी ना जाओ बस। एंड किंग ब्रो मैनू ना मैं ना तुहानूं आदित्य सूद भाजी नाल मेरी काफ़ी बार गल्लां बातां होईयां सी कि तेरी मेरी जोड़ी फिल्म के दौरान, क्योंकि वो टाइम इदा का सीगा कि 2 मेल एक्टर्स ने एंट्री मारी सी एंड वो फिल्म की हाइप ओबवियसली ता ही बनी बिकॉज वो सिद्धू भाजी ने गाना गाया या उन्होंने है ना बहुत अच्छे तरीके नाल यूज़ किया। जो मैनू पता लगे तुम आज आ रहे हो तो फिर मैनू ना कट तो मैनू सिद्धू भाजी याद आए, क्योंकि वो फिल्म उन्होंने बहुत बेस्ट तरीके अपना प्रमोट किया गाने, क्योंकि उन्होंने गाना भी गाया सीगा है ना, एंड वो जो फील है ना वो पूरी टीम के जुड़िया हुआ है। तो मैं किंग को जानना चाहता है कि जो सिद्धू वीरे का उस टाइम का जो फील सीगा, वो मूड सीगा, वो टाइम सीगा, वो कितना प्रीशियस सीगा एंड किंग ने की फील किया यू नो इन्ने बड़े आर्टिस्ट के नाल यू नो परफॉर्म करके। मैं ना की कह हूँ वो ना दुनिया इस टाइम असी कहेंगे बहुत बड़ा टैलेंट तो गवाया ही है, पर ह्यूमन बींग कितना अच्छा है। तो मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिना, साढ़ा ना ऑस्ट्रेलिया शो से एक तो मैं वो शो होस्ट कर रहा सी ते सिद्धू भाई ने परफॉर्म करना सी, तो उस तो पहले ना हुण मेरी उस वीडियो टचवुड मिलियन से जा रही सी, बड़ा अपने आप होंगे ना कि वधिया। तो एक उस तो पहले मैं एक शो लिए एक रील बनाई सी जिस मैं एक पंच मारे सिद्धू समोसे वाला, वो उन्होंने पता सी मैं मारना पंच, तो मैं बह गया। सिद्धू भाई की एंट्री हुई उधरों, तो मैं सारी स्क्रिप्ट पढ़ रहा सी कि मैं स्टेज पर जाके बोलना होना है, तो मैं देखा टेढ़ी नज़र ना, पर मैं बुलाया नहीं, मैं कहा यार चलो क्यों है ना मैं इधर। वो बाई ना लोग फोटो खिचा रहे हैं, वो 4 बंदे छड़ के मेरे को आया होर किंग वीरे किदा। मैं ना अपने आप उस टाइम इन्ना छोटा फील किया कि मैं कि आकड़ चखना इतने, मैंने कहता भाई वीडियो बालियाँ घैंट होंगे, मैं कहा तुम दे दो, कहता हाँ भाई मेरी बाली किट लाते हो, मैं कहा वीरे वो तो प्रमोशन लिए बनाई सी, कहता नहीं कहता बहुत घैंट, कहता मैं बहुत स्वाद आता देख के। वो बंदे ने गल करके चला गया, पर मेरा वो जो फर्स्ट मीटिंग सी मैं कहा यार अगर वो बंदा इत्थे पहुँचा होया, वो क्यों पहुँचा यह रीज़न है वह, क्योंकि जो बिहेवियर नेचर है। तो मैं उस दिन तो बाद क्या जो किसी को मिलना इदा ही मिलता, मैं क्या नहीं वो बंदा एक चीज़ जाते जाते यह चीज़ मैनू तो सिखा गया, बाकी जिंदगी की चेंजिस किया मैनू पता नहीं, मेरी जिंदगी जो चेंज कर गया चीज़ कि हाँ भाई इदा ही मिलो सारे, कोई इदा धौन च किला रखने की लड़ नहीं, पर बहुत जेन्युइन पर्सन। एंड सना वो जो टाइम पीरियड था बिग बॉस वाला यू नो वहाँ पे सारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा, जितने भी गेस्ट थे जितने भी लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे सारे परफॉर्म कर रहे थे, मूवी इंडस्ट्री के सब हाई लेवल के थे। एंड किसी के लिए वो वाला जो टाइम होता है वो इतना प्रीशियस बन जाता है कि उस टाइम से इंसान को आगे जाके बहुत ग्रोथ और बहुत काम मिलता है, बिकॉज आपका एक यू नो नॉन फेस से फेस बनने लग जाता है टीवी इंडस्ट्री में यू नो स्क्रीन पर। तो वो जो टाइम पीरियड सना की लाइफ में बिग बॉस का था, उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा सना ने? हाँ गुड क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने यही सीखा है, कितना भी आपको सामने वाले इंसान पे गुस्सा है, कितने भी आप इरिटेट रहो, आपको ना अपने नफ्स पे इख्तियार करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर एंगर, क्योंकि जब मैं गई थी मैंने यही चीज़ बोली थी कि मैं जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंसान की आवाज़ में नहीं उसके अल्फाज में दम होना चाहिए, ऑलवेज बिलीव इन दिस। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती थी कि सामने वाला इंसान मुझे उकसा रहा है, अब ना चाहते भी इंसान मुझे भी गुस्सा आएगा, मेरी भी आवाज़ ऊँची हो सकती है, और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना वो मैंने वहाँ पर सीखा। और इसके अलावा मैंने ये भी सीखा है कि बिना खाने के कैसे ज़िंदा रहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी वक्त था जब 2-3 दिन हमें राशन नहीं मिला खाने के लिए, तो हम वो मोरिंगा का सूप पी के ज़िंदा थे। वेजिटेबल जो मैं ऐसे मुंह बनाती थी जब मम्मी मुझे प्लेट में रख कर देती थी, तो खाने की कदर हुई। बहुत चीज़ें सीखने को मिल गई यार। बिग बॉस बाकायदा एक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग जर्नी थी और मैं बहुत ज़्यादा समझदार और मैच्योर बनी हूँ बाहर आके। उस टाइम जो होता था सना, एक चीज़ ना बहुत लाइमलाइट क्रिएट हुई थी उस टाइम पे कि अरमान और उनकी 2 वाइफ्स को लेकर डेफिनेटली, है ना। और उस सीज़न पूरे सीज़न को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जस्ट बिकॉज ऑफ TRP, यू नो। तो आपने जो अंदर फील किया, यू नो, इस मैरिज लाइफ को लेकर, यू नो, सबसे अलग को लेकर, डेफिनेटली हर इंसान यार सोचता है कि यार बंदा कैसे सर्वाइव करता होगा, कैसे रहता होगा। तो उस टाइम पे सना ने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ अलग लगा हो सना को, यू नो। किस लिहाज से? लाइक मतलब जैसे, यू नो, 2 वाइफ्स और सिंगल मैन, है ना, तो टीवी, यू नो, सामने आकर और परफॉर्म करना, इज इट क्वाइट टफ? डिड यू फील दैट कि यार इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है? आपका तो पंगा भी बड़ा था उससे शायद। मेरा तो मेजरली उन्हीं के साथ था। देखो वो उनकी पर्सनल लाइफ है ना, वो कितनी भी बीवियाँ रखी है, उससे मेरा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट इतना ज़रूर है कि जो भी मैंने पायल और कृतिका का बॉन्ड देखा था वो काफ़ी रियल था और सिस्टर वाला बॉन्ड था। ऑफकोर्स जाने के टाइम पे मेरी अरमान के साथ नहीं बनी, अरमान जी के साथ। बट हैविंग सेड दैट इट्स ओके, कभी कभी आपकी वाइफ मैच नहीं करती एंड आई एम प्रीटी ओके विद दैट। अब आई थिंक सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं एंड मुझे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, येस, एक चीज़ मैं लाजमी बोलना चाहूँगी कि नेगेटिव लोगों के बीच में रह के भी मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, इनफैक्ट जब आप बाहर आए थे ना भाजी, मैं गल दस जाना, जो बाहर आए थे तो आई थिंक ना इंसान किड़ा जितया, किड़ा सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आई थिंक मायने नहीं रखता। बिकॉज पिछले सीजनस तो ना लोगों ने माइंडसैट इस तरीके से चेंज होया भी हर एक इंसान कहना कहना एटलीस्ट इंसान जो बाहर आए ना इज्जत के नाल बाहर आए, दैट्स इट। सो दैट अगर वो अपने आप को देखे, अपनी फैमिली वो देखे, तो यार कितने ना फील होवे कि यार इन्हें इतने गलत परफॉर्म किया यार। तो ये चीज़ बहुत घट लोग खड़ते हैं एंड आपके हिस्से में ये चीज़ है कि हाँ चलो एक रिस्पेक्टफुली बाहर आना, वो एक बेस्ट चीज़ होती है जो आपको लाइफ टाइम पर याद रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किंग ब्रो, लाइक मैं जिवें पिछली फिल्म की गल की है ना, उस टाइम तो बाद आके ना बहुत सारा गैप इंसान की जर्नी रहिंदा आ। वो आई थिंक गैप इंडस्ट्री होना ना हर किसी की जिंदगी बहुत ज़्यादा, यू नो, रीजनस वड्डे होंदे आ। कईयां नूं कम नहीं उस तरीके का मिलता, कई लोग, यू नो, कम करना चाहते आ बट लोग, यू नो, थोनू ऑफर अच्छे तरीके नहीं करते, रादर वो स्क्रिप्ट होए या, यू नो, टीम होए। तो किंग की जिंदगी जो टाइम रहा क्यों रहा है? किंग ने की फील किया है टाइम के दौरान भी, हाँ भी इन्ने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आए या फिल्म क्यों नहीं कोई आई या कीती है या लेट हुई? नहीं, बहुत 4-4.5 साल का गैप विच पिया एंड तो बहुत लंबा गैप होंदा। एंड जो साडी मूवी पहली वाली रिलीज़ हुई उस तो बाद एक बड़ा एक हाइप तो बन गई सी कि 2 मुंडे नवे आए ने एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। जिन्हों मिल रहे सी काम की तारीफ हो रही सी पर काम मिल नहीं रहा सी। एंड उस तो बाद मैं 6-8 महीने बहुत डिसअपॉइंट हो गया, लाइक लिटरली आई वाज वेरी डिप्रैसड। तो मैं झूठ नहीं बोलांगा, मैं ऑस्ट्रेलिया गया वापस तो मैं अपना जॉब शुरू करती जाके, मैं एक वैन चलान लग पाया। एंड कोई आर्टिस्ट होगा ना जो जो उन्होंने वो चीज़ ना मिले वो बहुत ज़्यादा डिप्रैस हो जाता अंदरों एंड वो फिर गलत स्टैप चुकता। तो मैं हूँ एक टाइम तो एक वैनिटी वैन च बहना, यू नो दैट फीलिंग, वैनिटी वैन चो जो बंदा डिलीवरी वाली वैन च बहता ना, कहना बहुत सौखा है, सारे काम एको जी के, कोई काम छोटा वड्डा नहीं, पर वो जी फीलिंग है ना वो हर बंदा नहीं समझ सकता। मैं पहली बारी स्टेयरिंग फड़ा ना जो मेरा अथरू डिग्गा इतों स्टेयरिंग के उत्ते। हाँ, एक्टर बनने तो बाद क्योंकि तुसी एक एज ए मेन लीड एक्टर की है, पीपल अराउंड यू दे सपोर्टिंग यू, लाइक वेविंग फॉर यू, है ना। फिर जाके मैं डिलीवरी करनी है एंड मेरे को 5 मिनट गड्डी स्टार्ट नहीं हुई, मेरा थ्रू डिग रहा है, मैं रो रहा तो दैन मैं ठीक है कोई गल नहीं, है ना, मैं स्टार्ट डूइंग इट। फिर दैन मैनू थोड़ा जहा एक टाइम इदा का आ गया कि होंगे ना कि अज पीए यार, मैं दारू पींदा नहीं, फिर मैं उस टाइम पीती एंड मैं कई काफ़ी टाइम 6-8 महीने पीती। मैं वेट जो मेरा वध गया एंड फिर मेरे मोम बैठे थे एक दिन, मेरे मोम कहते कि क्यों परेशान रहने लग पे हैं। मैं कहा मम्मी मेरी एको ही ड्रीम है, मैं एक्टिंग करनी, मैंने कोई काम नहीं समझ आता और मैं जॉब पर जाना मेरा दिल नहीं लगता। सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी कि मेरे मम्मी कहते अगर एक्टिंग ही करनी है पहले जिम तो जा, पहले जा कुछ अपनी वो तो कर, एक्टिंग के लिए कुछ की कर रहा तू। हाँ, मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। कहते फिर मैं कहा चलो हर चीज़ चेंज की, फिर विद द ग्रेस ऑफ गॉड फिर चलो मेरी वीडियोज़ नाल चल रही सी पैरेलल, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा सी लोगों वालों। जिम च गया उन्होंने दसदा मैं इतने माँ के शब्द की होंगे ने, कहते जिम जुम जा, मैं जिम गया, जिम च मैनू प्रोड्यूसर मिले, कहते किंग भाजी क्यों नहीं कर रहे तुसी कुछ? मैं यार मैं तो करना चाहना इदा तो करके। दीपक नाम है वह, दीपक मैनू कहता कि यार भाजी यार हम योर फैन, मतलब वीडियो देखता यार ग्रेट कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग, लेट्स डू अ मूवी टुगैदर। है ना वो फिर इमोशनल हो गया यार कि वापस वो चीज़ आ रही है। एंड उसके बाद कहता आप पहले गाने करते हैं। दैन ही प्रोड्यूस्ड माई सॉन्ग अपडेटेड गबरू, दैन बलमा, अगला अपडेटेड किंग आ रहा है, कई गाने आ रहे हैं। मूवी जी मूवी असी बनाने जा रहे हैं, बन रही है, शूटिंग चल रही है, दमा दमस्त कलंदर नाम है वह। आई प्रॉमिस यू पंजाबी इंडस्ट्री के हिसाब नाल जिन्ना असी वध तो वध कर सकते सी, क्योंकि बजट होता ना लिमिटेड बजट होता ऑडियंस के हिसाब नाल। साउथ तो टीम लैके आती है DOP की, जिन्होंने कांतारा मूवी, पुष्पा 2 वो मूवीज़ करके आए ने, वो क्रू उन्होंने लैके आता DOP डायरेक्शन टीम एवरीथिंग कि असी कहता भाई थोड़ा कमबैक कराना ना वधिया करावांगा, तुसीं टेंशन ना लिओ। फिर मैं रब नूं मैं बहुत मनदा वां, मैं कहा यार रब है, जे लगे रहो ना मैदान च तो तुहाडा नंबर आएगा ही आएगा। क्योंकि लाइन नहीं छड्डनी। नहीं एक चीज़ यू नो सानू डेफिनेटली फील होती है जो मैंने पता लगा कि हाँ तुसी दोनों है ना आ रहे हो, आप दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल्स की बातें होनी थी, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर बातें होनी थी, बट आई होप कि ये कॉन्वर्जेसन ऐसे ही कंटिन्यू रहे आने वाले फ्यूचर में, एंड आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे ही कंटिन्यू रहे, है ना। And thank you so much for the lovely conversation, guys. We'll see you soon, you know, another project. Thank you for having us, Paayal. Lovely, thank you. Thank you.